येलो सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अचानक दिल्ली यात्रा सुर्खियों में है। दो दिन प्रताप सिंह खाचरियावास दिल्ली में रहे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। बताया जाता है कि प्रताप सिंह के पास अचानक दिल्ली से फोन आया था और उसके बाद वे जयपुर से दिल्ली पहुंचे। इन दो दिनों की मुलाकातों के दौरान प्रताप सिंह ने वरिष्ठ नेताओं से राजस्थान के कई मसलों पर चर्चा की। दिल्ली यात्रा से आज जयपुर लौटने के बाद प्रताप सिंह से विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की। संवाददाता नरेश शर्मा ने। जयपुर से दिल्ली तक कांग्रेस में सरगर्मियां चल रही है, लगातार बैठकें प्रस्तावित हो रही है, कांग्रेस के नेताओं में मुलाकातें हो रही है। ऐसे में ही एक मुलाकात दिल्ली में रही है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में। दिल्ली का दौरा करके प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर लौटे हैं, बात करते हैं उनसे विभिन्न मुद्दों पर। प्रताप जी, 4.5 साल में पहली बार देखने को मिला कि आप दिल्ली गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं, खड़गे जी से मिले हैं, वेणुगोपाल से मिले हैं, क्या चर्चा रही है खास तौर पे इसमें? ये बात आप ठीक कह रहे हैं, मैं दिल्ली कम जाता हूँ, दिल्ली जाना चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व से मिलना चाहिए, उन्हें फीडबैक देना चाहिए, उनसे कुछ फीडबैक लेना चाहिए, ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है, वो मैं ये महसूस करता हूँ, तो इसलिए मैं दिल्ली गया। दिल्ली मेरा परिवार है, कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता हूँ, खड़गे जी हमारे अध्यक्ष है, वेणुगोपाल जी हमारे संगठन महासचिव, उनसे भी मुलाकात हुई, रणदावा जी भी वहीं मिल गए, सारे हमारे ये वीरेंद्र जी, अमृता धुवन जी, वो अमृता जी और वो काजी निजामुद्दीन जी सब मिल गए वहीं पे, लोटासरा जी भी मिल गए, तो सब लोग परिवार के लोग, दिल्ली भी हमारी है, दिल्ली को दूर दौड़ना है ही रही दिल्ली। और राहुल गांधी जी से भी मैं जल्दी मुलाकात भी करूंगा, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सबसे मिलते रहना चाहिए, हमारा ये तो अधिकार है, हमारा परिवार के मुखिया लोगों से मिलते रहे, तो हमारा परिवार क्यों नहीं मिले। सोनिया गांधी जी मुझे तो कांग्रेस में लेकर आए, मुझे पार्लियामेंट का टिकट दिया 2003 में, बच्चे की तरह पार्लियामेंट का टिकट दिया, अचानक को मिलते हैं पार्लियामेंट के टिकट, मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, तो मेरी भी ड्यूटी है, मैं कांग्रेस के पे भरोसे पर खरा उतरूं और जो मेरा नेतृत्व मुझे आदेश दे उस पर मैं काम कर सकूं। राहुल गांधी जी वहाँ फीडबैक लेने गए हैं, चर्चा यह है कि आप कांग्रेस का फीडबैक देने दिल्ली गए थे, हालांकि पुष्टि आप ही कर पाएंगे कि प्रताप सिंह को बुलाया गया था कि क्या चल रहा है राजस्थान में, किस तरह से आगे, चूंकि चुनावी साल है, कैसे रणनीति होनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, इस बारे में जरूर चर्चा हुई कि खुल के तो नहीं बताएंगे लेकिन थोड़ा तो कुछ बताएं। ये हमारा परिवार है, समय समय पर अपने लीडर्स से मिलना भी जरूरी होता है, बात करना भी जरूरी होता है, कई बार कम्युनिकेशन गैप वो नहीं रहना चाहिए, इस वक्त तो चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे चुनाव में हम क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, मेरे पास कोई प्लान है, कोई मैं कुछ अच्छा बता सकता हूँ तो मैं जाके केंद्रीय नेतृत्व को बताऊँ कि भाई ऐसे ऐसे हमको और करना चाहिए। मैं तो कैबिनेट में भी बोलता हूँ, अभी पिछली कैबिनेट में मैंने तो सुझाव दिया था और कहा था ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, आक्रमण से बड़ा कोई बचाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास विरुद्ध इतने मुद्दे हैं, बेवजह 2000 का नोट बंद कर दिया, जनता परेशान हो रही है, फालतू क्यों बंद किया, कारण क्या, कोई कारण नहीं। बेवजह पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ा रखी है, बेवजह सरेंडर की रेट बढ़ा रखी है, मतलब बीजेपी मनमानी कर रही है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम बीजेपी जो हमसे मुद्दे खड़े कर रही है तो मुद्दे तो बीजेपी के खिलाफ है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान में, राजस्थान में हमारी सरकार का काम एक्सीलेंट है, चीफ मिनिस्टर पूरे राजस्थान का लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, कोई कमी नहीं रखी, एक एक योजना स्पेशल है। अब ओपीएस को लेकर तो पूरे देश में नकल कर रहे हैं लोग इस मॉडल की, तो मैं तो सबको कह रहा हूं चाहे राम हो चाहे काम हो वो हमारे साथ है, इसलिए ये मानकर चलना कि कांग्रेस को यदि कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो गलती कर रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और कांग्रेस पार्टी थ्रू आउट इंडिया मजबूत है, ये मानकर चलना कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी मजबूत है। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जिनसे हर मुद्दे पर हमने बात की है, लेकिन दिल्ली दौरे का परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा कि हाँ इतना तय है कि जो भी दौरे हो रहे हैं, जो भी मुलाकातें हो रही हैं, उनके कोई न कोई मायने जरूर है। कैमरामैन राकेश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।